हाय स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू फिजिक्स का चैप्टर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू द बेसिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री और कुछ एक्सपेरिमेंट्स, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, किसी बॉडी को फ्रिक्शन, इंडक्शन या कंडक्शन की हेल्प से कैसे चार्ज किया जा सकता है, और लास्ट में देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जाम्पल्स। हम सभी ने कभी ना कभी, स्पेशली इन ड्राई वेदर्स, कभी एक सिंथेटिक क्लोथ को टच करने पे एक स्पार्क एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर कभी कभार हमने कार्स की डोर्स को टच करते हुए एक शॉक का एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं तो लाइटनिंग का एक्सपीरियंस तो बारिश में दिनों में सभी को है। इन सभी फिनोमिना के पीछे इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फिनोमिना अकर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। प्लस वन में हमने पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक वैंडरवाल फोर्स। तो इनमें जो फर्स्ट टू फोर्सेस हैं ये मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस होती हैं। मैक्रोस्कोपिक मीन्स ये लॉन्ग रेंज में काम करती हैं, इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, और बाकी जो दो फोर्सेज हैं इनका जो रेंज है वो बहुत ही कम होता है, ये विद इन द रेंज ऑफ अ न्यूक्लियस काम करती हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही डील करना है जो कि एक मैक्रोस्कोपिक फोर्स है, और मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस में हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। यू नो मैटर इज एनीथिंग that occupy space and has mass. तो matter हम किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो space occupy करती है और जिसका mass होता है। matter का mass ही responsible होता है gravitational force के लिए, और electrostatic forces के लिए जो चीज responsible होती है वो है charge। हमें पता है जो भी matter है वो सब atom से बना होता है, atom के center में nucleus होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की हेल्प से टाइड होते हैं और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस चैप्टर में हम पॉजिटिव चार्ज को सर्कल के अंदर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव चार्ज को सर्कल के अंदर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है वो हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो चार्ज जो एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे होता है उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है। हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है और उसकी वैल्यू 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी होती है। तो चाहे ये मास बहुत कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है। मेनली हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डील करना है। नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ चार्ज। चार्ज की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इन 1600 BC थेल्स जो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने एम्बर को जब एक वुलन क्लोथ के साथ रब किया तो उन्होंने देखा कि एम्बर में कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं अट्रैक्शन की छोटे पार्टिकल्स को। तो एम्बर छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है लाइक डस्ट एंड पेपर। इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के पीछे जो चीज रिस्पॉन्सिबल थी वो थी चार्ज। इसी तरह बहुत सारे और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, पर एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स डुफे ने अपनी स्टडीज में देखा कि जब दो ग्लास रोड्स को सिल्क क्लोथ के साथ रब करके एक दूसरे के पास सस्पेंड किया जाता है, एक दूसरे के साथ दो थ्रेड्स की हेल्प से लटका देते हैं, तो वो दोनों रोड्स चार्ज होने के बाद रिपल्शन शो करती हैं। तो दोनों ग्लास रोड्स के बीच में रिपल्शन अपीयर होती है। इसी तरह उन्होंने देखा जब दो प्लास्टिक रोड्स को सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं और फिर एक दूसरे के पास सस्पेंड करते हैं एक थ्रेड की हेल्प से, तो उन दोनों रोड्स में भी रिपल्शन शो होती है। थर्ड केस में उन्होंने देखा जब इसी ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड को एक दूसरे के पास सस्पेंड किया जाता है तो दोनों में अट्रैक्शन शो होती है। इस केस में अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
इसे एक्सप्लेन करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज जो ग्लास पर डेवलप होता है उसे पॉजिटिव कहा, चार्ज जो सिल्क क्लोथ पर डेवलप होता है उसे नेगेटिव कह दिया। सेम वे में चार्ज जो प्लास्टिक रोड पे इंट्रोड्यूस हुआ उसे नेगेटिव कहा, और चार्ज जो और इस बार जो सिल्क क्लोथ पे चार्ज डेवलप हुआ उसे पॉजिटिव कहा। तो ये देखा गया कि जो सेम तरह के चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा लास्ट केस में हुआ, ग्लास का पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का अपनी साइन कन्वेंशन में चार्जेस को नेगेटिव और पॉजिटिव रखने का एक रीजन ये भी था कि अपोजिट चार्जेस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की टेंडेंसी होती है, जैसे मैथ्स में 2 - 2 = 0 होता है, उसी तरह चार्जेस में भी प्लस और माइनस चार्ज मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। इसी टेंडेंसी को देखते हुए फ्रैंकलिन ने चार्जेस को नेगेटिव और पॉजिटिव की साइन कन्वेंशन दी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसे नेगेटिव कहा और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसे पॉजिटिव कहा। वो कुछ भी नाम रख सकते थे, वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कह सकते थे, प्रोटॉन को नेगेटिव कह सकते थे, बट उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और प्रोटॉन को पॉजिटिव कहा। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्ट्रॉन जो बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको नेगेटिव कन्वेंशन मिली। अगर उसे पॉजिटिव कन्वेंशन मिली होती तो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता, बहुत कन्वीनियंट हो जाता। लेकिन साइंस में बहुत बार हमें हिस्टोरिक कन्वेंशन के साथ रहना पड़ता है इन ग्रेट साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए। अब ग्लास रोड पे पॉजिटिव और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आने का कारण जो था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को माना गया। ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स जब सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं ऑन रबिंग, तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है और ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। सेम वे में जब प्लास्टिक रोड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं तो सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक रोड पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लोथ इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह से जब हम अलग अलग मटीरियल्स को रब करते हैं तो एक मटीरियल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मटीरियल में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ बाइंड होते हैं। तो वो क्या फोर्स है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है? इसका आंसर है, जब हम सिल्क क्लोथ को ग्लास के साथ रब करते हैं तो रबिंग से जो फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर पाते हैं, और यहीं से बेसिस बनता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से दो बॉडीज चार्ज हो पाती हैं। अब एक लिस्ट देखते हैं जिसकी हेल्प से हमें ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नाउ हिस्टोरिकली अलग अलग बॉडीज को रब करने पे उनपे पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा चार्ज आता है उसकी लिस्ट हमारे सामने है। जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। फ्लैनल या कैट स्किन को जब इबोनाइट रोड से रब करते हैं तो फ्लैनल या कैट स्किन तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इबोनाइट रोड नेगेटिव चार्ज होती है। जब वूलन क्लोथ को एम्बर से रब करते हैं तो वूल पे पॉजिटिव और एम्बर पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हैं तो कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आता है जबकि हेयर्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हम सब ने जरूर देखा भी होगा, जब हम कॉम्ब करते हैं और कॉम्ब को किसी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं तो वो कॉम्ब उन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसी बहुत लंबी सीरीज है, इसे याद रखने के लिए आप एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मटेरियल्स लिखे हैं, फर, फ्लैनल, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, मेटल्स एंड इबोनाइट। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, मैंने कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स इसमें से लिखे हैं। तो इनमें से जो पहले वाला है अगर उसको बाद वाले मटेरियल से रब करते हैं तो पहले वाले पे पॉजिटिव और बाद वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर हम फर को ग्लास से रब करेंगे तो फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ग्लास पे नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम ग्लास को पेपर से रब करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पेपर पे नेगेटिव, क्योंकि ग्लास इस सीरीज में पहले है और पेपर बाद में। तो ऐसे कोई भी दो मटेरियल्स इस सीरीज में जो पहले है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाद वाले में नेगेटिव। तो इस तरह से इस सीरीज की हेल्प से हम इजीली पता कर सकते हैं कि दो मेटल्स को रब करने पे किस मटेरियल पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा।
तो अब ये भी क्वेश्चन है कि क्या हम रबिंग से ही किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, क्या कोई और वेज हो सकते हैं चार्जिंग के? तो इसका आंसर है यस, इसके और भी वेज होते हैं, हम इंडक्शन और कंडक्शन की हेल्प से भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ने से पहले हम एक बार कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। वी नो कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, क्योंकि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरियर्स होते हैं। सभी मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, सभी एसिड्स और अल्कलीज इसके एग्जांपल्स हैं। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होने देते। इंसुलेटर्स के पास ये फ्री चार्जेस नहीं होते, इसीलिए ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, डायमंड एक्सेट्रा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लास इंसुलेटर है, ग्लास चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चार्जिंग अ बॉडी एंड फ्लोइंग चार्ज थ्रू अ बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक बॉडी को चार्ज करना और उसके अंदर से चार्ज फ्लो होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन कंडक्टर पे चार्ज पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्री चार्ज कैरियर्स की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन अगर इंसुलेटर्स को चार्ज करेंगे तो इंसुलेटर के अगर किसी एक पार्ट को हमने चार्ज किया है तो चार्ज इसी पार्ट में रहेगा, वो पूरी बॉडी पे फ्लो नहीं करेगा। तो ग्लास को चार्ज किया जा सकता है लेकिन ग्लास के थ्रू चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन। इंडक्शन को समझने से पहले हमें एक चीज और समझ लेनी चाहिए, वो है अर्थिंग। अर्थिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी पासेस इट्स चार्ज टू द अर्थ। अर्थिंग में हम क्या करते हैं, किसी बॉडी जिसको हमें डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज मतलब जिसके चार्ज को हमें रिमूव करना है, उसको एक मेटल वायर की हेल्प से उसके चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करते हैं। हमारे घरों में भी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज करते हैं उनमें भी अर्थिंग का यूज होता है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें मेनली थ्री वायर्स होती हैं, लाइफ, न्यूट्रल और अर्थ वायर। जो लाइफ वायर होती है वो जनरली रेड कलर की होती है, ये घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करती है। न्यूट्रल वायर जो जनरली ब्लैक कलर की होती है, इट ब्रिंग्स आउट द इलेक्ट्रिसिटी। और अर्थ वायर जो जनरली ग्रीन कलर की होती है, ये अर्थ के अंदर एक थिक मेटल प्लेट के साथ बहुत नीचे बरिड होती है, तो ये ग्राउंड में बहुत नीचे बरिड होती है एक थिक मेटल बॉडी के साथ। अर्थ वायर का काम क्या होता है, जो एक्सेस चार्ज है, जो एक्स्ट्रा चार्ज किसी बॉडी पे है, उसको ये सप्लाई कर देती है पूरा अर्थ पे। अर्थ पे सप्लाई करने का रीजन ये है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो अर्थ का पोटेंशियल क्योंकि जीरो होता है तो एक्सेस चार्ज सारा अर्थ के अंदर फ्लो कर सकता है किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से। अर्थिंग की वजह से जब कभी कोई फॉल्ट होता है तो जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में एक्सेस चार्ज है वो सारा अर्थ वायर की हेल्प से अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से अप्लायंसेस को टच करने वाला शॉक से बच जाता है। तो इंडक्शन को समझने के लिए अर्थिंग भी बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन। तो पहले तो इंडक्शन एक प्रोसेस है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन करने का किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में। लेट्स सी हाउ। हमने यहाँ पे एक कंडक्टिंग मेटल बॉडी रखी है जो एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर है। अब इस मेटल बॉडी में कोई चार्ज नहीं है इनिशियली, तो इसे इंसुलेटेड स्टैंड पे रखने का भी कारण यह है कि अगर इसमें कोई चार्ज होता तो वो चार्ज अर्थ के अंदर ना फ्लो कर जाए, इसीलिए इस बॉडी को इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा है। तो इस बॉडी में चार्ज इंड्यूस कराने के लिए, लेट्स से अगर हम इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को हम इसके लेफ्ट हैंड पे लेके आए हैं। लेट मी कॉल इट्स लेफ्ट हैंड एज ए एंड इट्स राइट हैंड एज बी। तो हम इसके लेफ्ट हैंड को ए कह रहे हैं और राइट हैंड को हम बी कह रहे हैं। तो जैसे ही हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को इस कंडक्टिंग मेटल के लेफ्ट हैंड के नियर लेके आते हैं, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन सारे लेफ्ट साइड पे एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके लेफ्ट एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि कंडक्टिंग मेटल बॉडीज में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से राइट एंड पे
इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस मेटल बॉडी का लेफ्ट एंड ए नेगेटिवली चार्ज है और राइट एंड बी पॉजिटिवली चार्ज है। प्लीज नोट दैट ये चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये बाहर से सप्लाई नहीं हुआ है। फ्रिक्शन में जो चार्जिंग हम दे रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चार्ज का कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं है, इसीलिए इसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं और इसी वजह से इसका नाम भी इंडक्शन है। सपोज अगर इस ग्लास रोड को हम रिमूव कर दें तो ये चार्जेस फिर से पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जैसा कंडक्टर्स के केस में होता है, और ये बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसीलिए इंडक्शन जो है वो एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का मेथड है जिसमें दो अपोजिट पोलैरिटीज बन जाती हैं। लेट्स नाउ सी कैन वी चार्ज अ बॉडी परमानेंटली बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन। क्या इंडक्शन की हेल्प से हम किसी बॉडी को परमानेंटली चार्ज भी कर सकते हैं या नहीं। नाउ परमानेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए हमें दो मेटल स्फीयर की जरूरत होती है, दो कंडक्टिंग मेटल स्फीयर की जरूरत होती है जो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखे होते हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने का रीजन फिर से वही है कि जब हम इन्हें चार्ज प्रोवाइड करें तो वो चार्ज कहीं अर्थ में ना फ्लो हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग। तो इनिशियली हमने इन्हें टच करके रखा है, ये इनिशियली एक दूसरे के साथ टच में है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। तो इनके ऊपर चार्ज इंड्यूस कराने के लिए सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसको लेफ्ट स्फीयर के पास लेके आते हैं। लेट मी नेम दिस स्फीयर्स एज ए एंड बी। तो लेफ्ट स्फीयर ए के पास जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को लेके आते हैं तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ए और बी दोनों स्फीयर से, क्योंकि ये दोनों टचिंग में है आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों स्फीयर से इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस स्फीयर का लेफ्ट फेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से स्फीयर बी का राइट फेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। नाउ इन स्टेप थ्री जब हम ग्लास रोड को लेफ्ट साइड पे रखते हुए ही दोनों स्फीयर्स को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, हम इनको बहुत ज्यादा दूर नहीं करते, बस थोड़ा सा ही दूर करते हैं, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ए के वो इस नेगेटिव फेस की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि अब दोनों स्फीयर्स को अलग कर दिया है तो ए का जो राइट पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी का राइट फेस अभी भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ना एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज ज्यादा बनाया और पॉजिटिव चार्ज कम, क्योंकि जब हम ग्लास रोड को लेके आए थे लेफ्ट फेस के पास तो ए और बी दोनों आपस में टच कर रहे थे, तो बी के भी इलेक्ट्रॉन्स ए में ट्रांसफर हुए जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से ज्यादा है और बी का अभी भी राइट फेस पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसके जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो कि ए के राइट साइड में है। नाउ इन फोर्थ स्टेप जब हम इस ग्लास रोड को भी हटा देंगे, जैसा आप देख सकते हैं स्टेप फोर में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ए पे ज्यादा है और बी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि बी के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ए में ट्रांसफर हो गए थे, तो ए पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से और बी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से ए का सारा नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और बी का सारा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ए पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा था और बी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, और जब हमने ग्लास रोड को हटा दिया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गया, जिसकी वजह से ए का नेगेटिव चार्ज जो पहले लेफ्ट में था वो राइट में शिफ्ट हो गया, बी का चार्ज पहले जो पॉजिटिव चार्ज जो पहले राइट में था वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। अब अगर इस डिस्टेंस को हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जैसा कि हम स्टेप फाइव में देख रहे हैं, अगर इस डिस्टेंस को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, इतना इंक्रीज कर दें कि अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते चार्जेस, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ए पे वो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि प्रॉपर्टी होती है एक कंडक्टर की, और जो बी का पॉजिटिव चार्ज है ये भी पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों बॉडीज ए और बी परमानेंटली चार्ज हो गई इंडक्शन की हेल्प से। नाउ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.1 है, हाउ कैन वी चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो इसमें हमें एक सिंगल स्फीयर है जिसको पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना किसी टचिंग के,
तो बिना टच के तो हम इंडक्शन से ही चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन में तो हमें रब करना होता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है बॉडीज का, तो इंडक्शन में ही हम बिना टचिंग के किसी स्फेयर को कर सकते हैं। ऐसा हम फोर स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कंडक्टिंग मेटल स्फेयर लेते हैं जिसे हम इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं। वी नो दैट व्हाई टू कीप इट ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड, सो दैट ऑन चार्जिंग इसका चार्ज अर्थ में न ट्रांसफर हो सके, क्योंकि हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो हम इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे, तो इस केस में हम प्लास्टिक रोड को लेके आएंगे जिसपे कि नेगेटिव चार्ज हो। तो जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रोड को इसके ऊपर लेके आएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन की वजह से राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। लेट अस नेम दिस स्फीयर एज ए। तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव प्लास्टिक रोड आने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स सारे राइट साइड चले जाएंगे, जिसकी वजह से राइट फेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो लेफ्ट फेस है वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ प्लीज नोट दैट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स एटम के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ बाइंड होते हैं, इसी वजह से जो भी मूवमेंट होता है वो सब इलेक्ट्रॉन्स का होता है। नाउ अगर हम यहीं से इस प्लास्टिक रोड को रिमूव कर दें फर्स्ट स्टेप से ही, तो जो भी पोलैरिटीज इस पे बनी थी चार्जेस की वो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और ये कंडक्टर फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, अपनी पहले वाली स्टेट में वापस आ जाएगा। लेकिन हमें इसको परमानेंटली चार्ज करना है पॉजिटिव चार्ज से। तो अब हमारे पास कोई दूसरा स्फीयर भी नहीं है जिसके साथ हम इसको टच करा सकें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें अर्थिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस स्फीयर का लेफ्ट एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो हम प्लास्टिक रोड को इसके पास रखते हुए ही इसके राइट एंड को अर्थ वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये सिंबल होता है अर्थिंग का, जिसकी वजह से इसके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर गए तो इसके राइट फेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, इस पे सिर्फ एक ही चार्ज रहेगा जो कि पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट फेस पे प्लीज नोट अभी भी जो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड है अभी भी लेफ्ट साइड पे रखी हुई है। अब जब फोर्थ स्टेप में हम इस प्लास्टिक रोड को भी रिमूव कर देंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज पहले लेफ्ट साइड पे एक्यूमुलेटेड था, अब वो पूरे स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पूरा स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा परमानेंटली। तो इस तरह से हम किसी बॉडी को परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं, परमानेंटली पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। Now having seen this, let us now look how we can charge a body by conduction also. Now let's see how we can charge a body by conduction. और conduction को समझने के बाद हम electroscope को भी easily समझ सकते हैं। Conduction में हम किसी body को charge करने के लिए किसी charge body का use करते हैं। For example, अगर हमारे पास एक negatively charged plastic rod है जो एक conducting body को touch कर रही है, तो इसका ये negative charge इस बॉडी पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चार्ज इस बॉडी पे बाय द हेल्प ऑफ टच ही ट्रांसफर हो जाएगा, और नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड होने की वजह से ये चार्ज नीचे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती हैं। चार्ज करने वाली बॉडी का चार्ज हमेशा चार्ज होने वाली बॉडी के चार्ज से ज्यादा रहता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। चार्ज के फ्लो होने के लिए हमेशा और चार्ज को फ्लो करने के लिए हमेशा पोटेंशियल है वो नॉन जीरो होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी चार्ज फ्लो हो पाएगा, अदरवाइज चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। तो इस तरह से कंडक्शन की हेल्प से हम किसी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप एंड हाउ इलेक्ट्रोस्कोप यूज कंडक्शन टू डिटेक्ट चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि चार्ज की पोलैरिटी क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है। इसमें ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक ग्लास वेसल के अंदर होता है। इस ग्लास वेसल में एक मेटल रोड होती है जिसके ऊपर एक मेटल नोब होती है, और इंसुलेशन के लिए हमने एक रबर स्टॉपर लगाया होता है। इस मेटल रोड के साथ नीचे दो गोल्ड लीव्स या गोल्ड फॉइल्स होती हैं जो लूजली सस्पेंडेड होती हैं। कभी कभी हम इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए टिन फॉइल्स का भी यूज करते हैं इसके बेस और साइड वॉल्स पे। तो इसी मेटल नोब और मेटल रोड का जूम व्यू मैंने यहाँ पे बनाया है। दिस इज द मेटल नोब एंड दिस इज मेटल रोड, और ये गोल्ड लीव्स हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये गोल्ड फॉइल्स ही होती हैं। तो इनिशियली
इन बोल्ड लीव्स पे कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से ये नीचे सस्पेंडेड है, बिल्कुल सीधी है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब हम ऐसी रोड को इसके साथ टच कराएंगे जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो जो ये गोल्ड लीव्स हैं ये एज इट इज रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर हम इसको एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड के साथ टच कराते हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू ट्रांसफर होते हुए इन गोल्ड लीव्स तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। और क्योंकि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका मुंह थोड़ा खुल जाएगा। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि जो बॉडी हमने इलेक्ट्रोस्कोप को टच करी है उसमें चार्ज है या नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप से हमें यह भी पता चल जाता है कि चार्ज की पोलैरिटी क्या है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज रोड होनी चाहिए। जैसे हमने इस केस में पहले ग्लास रोड का यूज किया था, तो हमें पता था इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके बाद हम एक और रोड लेके आते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसको टच करेंगे बाद में, तो ये ओपनिंग थोड़ी और वाइड हो जाएगी, क्योंकि जो गोल्ड लीव्स हैं वो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज थी ग्लास रोड को टच करने की वजह से। तो अगर इसके बाद हम और चार्ज प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव, तो इसकी ओपनिंग और बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव की जगह इसको नेगेटिव रोड टच करती, तो ये ओपनिंग थोड़ी कम हो जाती। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता कि चार्ज जो टच किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इतना ही, हम इससे अमाउंट ऑफ चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग की विड्थ को देख के हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है। तो ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप घर पे भी बना सकते हो। आप गोल्ड लीव्स की जगह एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज कर सकते हो, वो भी काम करेगी। लेट्स नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज ट्रांसफरेबल है, हमें पता है कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। फ्रिक्शन में हमने देखा था, जब एक ग्लास रोड को सिल्क रोड से रब करते हैं तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सिल्क में शिफ्ट होंगे तो सिल्क का मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, वो हमने पहले भी देखा था। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। तो इसकी वजह से जब ग्लास को रब करते हैं सिल्क के साथ, या तो सिल्क का मास तो बढ़ जाएगा लेकिन ग्लास का मास कम हो जाएगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है वो एलिमेंट्री चार्ज होता है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी में जो भी चार्ज ट्रांसफर हुआ वो हमेशा एक एलिमेंट्री चार्ज का ही इंटेग्रल मल्टीपल होगा। हालांकि कुछ नए पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स की भी बात हो रही है, लेकिन अगर क्वार्क्स की थ्योरी फाइनलाइज भी हो जाती है तो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही एलिमेंट्री चार्ज रहेगा। क्वार्क का चार्ज इसी का फ्रैक्शन होता है, 2/3 या 1/3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, जैसा कि हमने इस केस में देखा था, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं सिल्क रोड में, लेकिन जो नेट चार्ज है पूरे सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहता है। दैट मींस टोटल चार्ज अगर हम इसका सम करेंगे तो वो जीरो आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके सिल्क में नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, उतनी ही डेफिशिएंसी के साथ ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो रहता है। नाउ चार्ज इज स्पीड इनवेरिएंट। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि चार्ज चाहे रेस्ट पे हो या मोशन में हो, चार्ज चेंज नहीं होता। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, और चार्ज जब मूविंग होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है। जब ये स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती तो चार्ज रेडिएशन भी शो करता है। अब हम सब जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस पे बेस्ड एग्जाम्पल 1.2 और 1.3 एनसीईआरटी में गिवन है। लेट्स सी एग्जाम्पल 1.2। नाउ एग्जाम्पल 1.2 में गिवन है, इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं हर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा दूसरी बॉडी में 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ हियर
in 1 second (10^9) electrons are transferred. And we know that charge on one electron is 1.6 × 10^-19 coulomb. अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे सिंबल E नेगेटिव का यूज कर रहा हूं. तो इस क्वेश्चन में 1 सेकंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10^-19 कूलम्स. तो 10^19 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होना चाहिए? ऑब्वियसली वी कैन मल्टीप्लाई बोथ दीज टर्म्स. सो द चार्ज ऑन 10^9 इलेक्ट्रॉन्स विल बी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल बी इक्वल टू 1.6 × 10^-10 कूलम्स. इसका मतलब है 1 सेकंड में 1.6 × 10^-10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है दूसरी बॉडी में. हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम टाइम को राइट हैंड साइड पे रखते हैं. नाउ यहाँ पे 1.6 × 10^-10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली ये टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी. सो व्हाट वी गेट इज 1/10^-10 और ये आंसर सेकंड्स में आएगा. तो यहां से हमें पता चल गया 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1/1.6 × 10^-10. और जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 6.25 × 10^9 सेकेंड्स. अब अगर सेकेंड्स को हमें आवर्स में चेंज करना हो या डेज में या इयर्स में चेंज करना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 6.25 × 10^9 सेकेंड्स ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हमें इसे इयर्स में चेंज कर लेना चाहिए. वी नो दैट 1 ईयर हैज 365 डेज and in 1 day we have 24 hours and in 1 hour we have 60 minutes and in 1 minute we have 60 seconds. तो seconds को अगर हमें years में change करना है तो हमें इन सबसे divide करना पड़ेगा. तो हमें इन seconds को years में change करने के लिए पहले 60 से divide करना पड़ेगा ताकि seconds पहले minute में change हो, मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए एक और बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आवर्स को डेज में चेंज करने के लिए 24 से डिवाइड करेंगे और फिर डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे. तो इस तरह से हमें ईयर्स में आंसर मिल सकता है. तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 198 ईयर्स. तो अप्रोक्सीमेटली 200 साल लग जाएंगे हमें 1 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर करने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे. तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो कितना बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है. इसी तरह से आप एग्जांपल 1.3 खुद से ट्राई कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.